क्या आप भी आने वाले कुछ समय के अंदर अपना पैसा डबल करना चाहते हो? तो हाँ जी दोस्तों, ये मक्खन सा स्टॉक आपको अभी डिस्काउंट पे मिल रहा है, तो इसमें ज़रूर आप बाय करें। आप लोग देख सकते हो ये अभी 6% के डिस्काउंट पे अवेलेबल है, एंड आप देख सकते हैं कि 1 साल के रिटर्न जो मिला है इस कंपनी को, 85% का रिटर्न मिला है। तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, और 5 साल का मैं बात करूँ तो 5 साल के अंदर 652% का मैसिव रिटर्न प्रोवाइड किया है इस कंपनी ने। तो इसमें जब भी आपको डिस्काउंट पे ये स्टॉक मिले, 6%, 10% या 20% के डिस्काउंट पे जब भी ये स्टॉक आपको मिले, तो आप इसमें जरूर इन्वेस्ट करें। जब ये स्टॉक 400 के आसपास आए, जैसे कि ये 400 का लेवल जब छुए एक स्टॉक, तो इसमें और ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए। अभी तो 430 रुपये, 32 रुपये चल रहा है करंटली, बट जब ये स्टॉक आपको 400 रुपये में मिले तब इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। एंड मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, इसमें क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, उसका मैं रीज़न बताता हूँ। प्रमोटर होल्डिंग देख सकते हैं 46% है ऑलमोस्ट, आप इसको मान सकते हैं 47%। एंड म्यूचुअल फंड होल्डिंग का मैं बात करूं तो म्यूचुअल फंड होल्डिंग आप भी देख सकते हैं 7.5% के आसपास है। एंड फॉरेन कंट्री के बंदे के इन्वेस्टर की मैं बात करूं तो 9%, 9.5% के आसपास इन्वेस्ट कर रखे हैं, इधर यू कैन सी हियर। एंड मैं और इसमें प्रॉफिट एंड सेल्स का बात करूँ तो आप लोग देख सकते हो जो कंपनी ने प्रॉफिट सेल्स किया है 3 साल के अंदर, वो 23-23% के आसपास किया है। एंड 5 साल के अंदर जो सेल्स किया है 15.5% के आसपास किया है। एंड मैं बात करूँ प्रॉफिट का तो 3 साल के अंदर जो प्रॉफिट किया वो 43% का प्रॉफिट किया है, 5 साल के अंदर जो प्रॉफिट किया 74% का प्रॉफिट किया है। एंड 3 साल का मैं रिटर्न का बात करूँ तो 47%, एंड 5 ईयर का मैं बात करूँ रिटर्न का तो 49%। प्रमोटर होल्डिंग आपको ऑलरेडी पता है, इधर लिखा हुआ है। एंड मैं बात करूँ मार्केट कैप का तो आप लोग देख सकते हो इसमें मार्केट कैप 1,38,933 करोड़ रुपया, मैं बहुत ज़्यादा मार्केट कैप है। इसे ब्लू ब्लू चिप कंपनी आप कंसीडर कर सकते हो, एंड कंपनी का जो नाम है वो टाटा पावर कंपनी है। एंड इसमें आप हमेशा इन्वेस्ट करें, जब भी आपको ये डिस्काउंट पे ये स्टॉक मिले तो 2 स्टॉक, 10 स्टॉक, 20 स्टॉक इसमें जरूर बाय करते जाए, जिससे आने वाले समय में आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा।